हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर जो है उसका MSc प्रीवियस ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो इस सिलेबस को आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास MSc जूलॉजी में प्रीवियस में हमारे 5 पेपर होंगे। पहला है नॉन कॉर्डेट का, दूसरा है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी। थर्ड पेपर है मॉलिकुलर बायोलॉजी और मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स का। फोर्थ पेपर रहेगा हमारा वाइल्ड लाइफ एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी का। फिफ्थ पेपर रहेगा बायोसिंथेमेटिक्स एंड क्वालिटेटिव बायोलॉजी एंड पॉपुलर पॉपुलेशन इकोलॉजी का। तो हमारे फर्स्ट पेपर नॉन कॉर्डेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलो में एक चैप्टर रहेगा, लोकोमोशन रहेगा, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन रहेगा, और रेस्पायरेशन रहेगा, एक्सक्रीशन रहेगा, और छठा है हमारा नर्वस सिस्टम एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब इनमें जो आप लोग पढ़ना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, जिसमें इनवर्टिब्रेट लार्वा तक का है। लार्वा में आपको लार्वल फॉर्म्स ऑफ फ्री लिविंग इनवर्टिब्रेट्स, लार्वल फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। सेकेंड पेपर हमारा बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जैसे हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, वेरिएशन, वेरियस एम्बेडिंग टेक्निक्स, माइक्रोटोम्स, देयर एप्लीकेशन, क्रायो टेक्निक्स जो होती हैं, सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं, ऑडियो रेडियोग्राफी है। आप चाहे तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड यूनिट रहेगी बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कोप, इम्पोर्टेंस, बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हाइड्रोडोमा टेक्नोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज, वेबसाइट, URL एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिक्वेंसिंग एनालिसिस जो होगी, प्रोटीन स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पेपर जो रहेगा मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जेनेटिक कोड, वूबल हाइपोथेसिस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, 5-capping 3, DNA डैमेज एंड रिपेयरिक्स, जेरोडर्मा पिगमेंटोसियम। मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन, इंसेक्ट मैमल, डोजेस, कंपनसेशन, लिंकेज टू पैट पॉइंट टेस्ट क्रॉस, कैंसर, प्रोटोन कॉन्जिनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस, हेरिटेबल डिजीज इन ह्यूमन, हीमोफीलिया का ब्रांडनेस, एल्बिनिज्म, ये सब आप लोग को पढ़ना है। फोर्थ पेपर हमारा वाइल्ड लाइफ एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट 1972, साइलेंट फीचर्स के इसके अपकमिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ एक्ट्स, अमेंडमेंट्स 1991, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ये सब आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट रहेगी एनिमल बिहेवियर की। इसमें आप लोग को जो कुछ भी पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। सोशल बिहेवियर में आपको ग्रुप सिलेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंसेक्ट एंड प्रिमेट्स, ये सब आप लोग को पढ़ना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले। थर्ड है हमारा क्रोनोबायोलॉजी, इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है।
फिफ्थ पेपर है बायोसिंथ सिस्टमेटिक्स का, क्वालिटेटिव बायोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी क्वालिटेटिव बायोलॉजी की, जिसमें आपको डेफिनेशन, पॉपुलेशन, सैम्पल, रैंडम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, शी स्क्वायर टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब आप लोग को पढ़ना है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेमोग्राफिक लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, पीरियडेशन, कॉम्पिटिशन ऑफ नाइक थ्योरी जो है, एवोल्यूशन, म्यूचुअलिज्म। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोग को और वीडियो अगर आप लोग को और किसी भी सब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।